समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, अटकलों पर अब मायावती ने विराम लगा दिया है, क्योंकि खबरें ये भी चल रही कि मायावती ने ज्वाइन कर सकती है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा है कि सपा और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं, इनके साथ किसी भी चुनाव में गठबंधन कभी नहीं हो सकता है, ये एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हित में नहीं होगा। मायावती ने प्रयागराज में हुए राहुल गांधी के संविधान सम्मान समारोह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। मान्यवर कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी शोक व्यक्त नहीं किया था, राष्ट्रीय शोक भी नहीं किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अंशु अवस्थी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव, आगामी उपचुनाव या 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उनमें आपको मायावती का साथ मिल सकता है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत में वो आपके गठबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि कई सवाल वो कांग्रेस पर भी खड़े कर रही हैं और कई सवाल वो सपा पर भी खड़े कर रही हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के दम पर पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 में जाएगी। रही बात गठबंधन को लेकर, तो हमारा गठबंधन आज के डेट में समाजवादी पार्टी के साथ है, तो बसपा क्या कह रही क्या नहीं कह रही हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का, मायावती के स्टेटमेंट के ऊपर क्या स्टैंड है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट स्टैंड है कि हम पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में 2027 में अपने कार्यकर्ताओं के, अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो एक महिला हैं, तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनके प्रति कोई ऐसी टिप्पणी या दुर्भावना नहीं रखता। लेकिन एक अगर पार्टी के नाते देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो आज बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जनता ने नकार दिया है। इस बार संविधान बचाने की जो मुहिम थी उसको पूरे देश ने देखा और ये बात यकीन किया, भरोसा किया, विश्वास किया कि राहुल गांधी उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, सामान्य सभी ने कांग्रेस पार्टी को झोली भर के वोट दिया और उसका नतीजा ये हुआ। अंशु जी, संभावनाओं को राजनीति में नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, अभी उन्होंने, अभी कल का ही उनका पोस्ट है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव ने जो उनका समर्थन किया है, जो बीजेपी के विधायक साहब ने उनकी आलोचना की थी टीवी डिबेट के दौरान, वो मायावती को अपना समर्थन दे रहे हैं और मायावती अखिलेश यादव से खुश नजर आ रही है। तो भविष्य में संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो जुड़ जाएं आपके गठबंधन के साथ, लेकिन एक बड़ा सवाल वो कांग्रेस से कर रही है, जो उन्होंने अपने पोस्ट में भी किया है कि यहां पर बाबा साहेब जी को उनके जीते जी या देहांत के बाद भारत रत्न नहीं दिया गया था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी। तो अगर वो गठबंधन के साथ जुड़ भी जाती हैं तो मन में तो बहुत सारे सवाल उनके रहेंगे ही रहेंगे आपकी पार्टी के लिए। देखिए, उनके सवाल की बात है तो बाबा साहब को संविधान सभा का जो उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाने में भी कांग्रेस और पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके साथ देश के प्रथम कानून मंत्री जब बने तब भी उनकी भूमिका थी। तो बहन कुमारी मायावती जी जो कह रही है उनके अपने, उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते होंगे, लेकिन हमने तो कभी भी बाबा साहब को सम्मान देने में कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उन्होंने भी देश के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और कांशीराम जी का जो देहांत हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने लगाया। मैं आपसे इसके ऊपर जवाब लूंगी, लेकिन अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। अनिला सिंह जी, देखिए, अभी जो ताजा वाक्या हुआ है जिसमें राजेश चौधरी जो है बीजेपी के विधायक, जिन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको सवालों के गठघरे में लाते हुए मायावती का समर्थन कर रहे हैं, तो ये एक संदेश जरूर जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि क्या मायावती जो है भविष्य में इस गठबंधन के साथ जुड़ सकती हैं। हालांकि मायावती ने जो ताजा पोस्ट किया है वो कह रही है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, वो इस गठबंधन के साथ कभी नहीं जुड़ेंगी। आप इसमें सबसे पहले अपना रिएक्शन दे दीजिए मैम। जी, सबको राम राम। और समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बीएसपी की कर लीजिए, कांग्रेस की कर लीजिए, बिन फेंदी के लोटे। इनका एक कॉमन
विजन डॉक्यूमेंट होता है वो है भ्रष्टाचार, कि उसमें सहभागिता कैसे होगी। अगर उसमें सहमति हो जाती है इनकी आपस में तो ये लोग इकट्ठे आ जाते हैं, नहीं हो पाती है तो कहते नहीं नहीं हम इन एक साथ नहीं है। तो चाहे वो मायावती जी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लोग भूले नहीं है इनके चुनाव में किस प्रकार से यहाँ पे गुंडा राज भ्रष्टाचार अपने पैर पसारे बैठा हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है जनता बहुत खुश है। हाँ स्पष्ट तो बताना चाहिए वैसे मायावती जी को भी और अखिलेश यादव जी को भी कि भाई क्या क्या पक रहा है आपस में, कौन सी खिचड़ी पक रही है। सोशल मीडिया पे कुछ बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलता है, तो जनता को जरा इनको स्पष्ट तो करना चाहिए कि एक अपने आप को दलितों की बेटी कहती है। मैम जानकार ये कह रहे हैं अनिला जी, जो अभी उपचुनाव जो अभी लोकसभा चुनाव बीते उसमें बीजेपी में का जो यूपी में प्रदर्शन देखा गया वो निराशाजनक रहा। अब ये कहा जा रहा है कि आगामी उपचुनाव या 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर मायावती बुआ अपने भतीजे के साथ मिल जाती है गठबंधन में तो बीजेपी को बड़ी टक्कर देगी। आप इसे चुनौती के तौर पर लेती हैं या नहीं आपकी पार्टी? हम तो चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। इस गठबंधन में अगर मायावती जुड़ती हैं तो बीजेपी चुनौती लेगी इसको? मैं तो कहती रही छोटे से छोटा चुनाव हो चाहे कोई सामने एक गठबंधन में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम तो उस चुनाव को चुनौती के रूप में लेते ही लेते हैं। और मैं फिर कहती हूँ लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन की बात हो रही है वो इनकी जीत नहीं है, वो हमारी हार है और हम जानते हैं अपने कारणों को और उस पर काम कर रहे हैं।